हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1000 क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट 6 के बारे में। ये दोस्तों वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट IMP है। इसके अलावा MPPSC, MPSI, MP पुलिस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से PYB क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस जो भी जितने भी मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिलों के बारे में भी इंपोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा 6 पार्ट है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्टडी यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन द्वारा बिहार का निर्माण करती है? तो ये है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे ज्यादा मुरैना में अपरदन का बिहार का निर्माण करती है। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो दोस्तों, 1935 में झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रदेश में किस नदी ने हलाली नहर निकाली गई है? तो दोस्तों, यह है बेतवा नदी। बेतवा नदी से हलाली नहर निकाली गई है। होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मल्हाव राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो पचमणी में, मध्य प्रदेश के पचमणी में न्यूनतम तापमान रहता है जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इनकी संख्या है कुल 11। कुल 29 लोग लोकसभा से और राज्यसभा के लिए 11 लोग चुने जाते हैं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। देश की किस तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये है इंदौर। इंदौर तहसील में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। दोस्तों, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इंदौर में एक ऐसा शहर है जिसमें IIT और IIM दोनों स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला भी इंदौर में ही स्थापित की गई है। इसके अलावा लेजर परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही स्थापित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंदौर में ही लागू की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले को ओमकारेश्वर परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? तो यह है शिवपुर जिले को ओमकारेश्वर परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। अब बात आई है दोस्तों ओमकारेश्वर की, सॉरी शिवपुर की, तो आपको इसके बारे में बता दें। शिवपुर अपनी कष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। पालनपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर एशिया सह का संरक्षण किया जाएगा, यह शिवपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला भी शिवपुर ही है। दोस्तों, कराहल वन क्षेत्र वर्तमान में डकैत समस्या से ग्रसित है श्योपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल वेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो ये उज्जैन में पाई जाती है। अब बात आई है उज्जैन की, तो आपको इसके बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, क्योंकि ये जिला है। तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती का उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन में सबसे पहले सूनी का उपयोग ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में ही स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। सिंहस्थ या कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में लगाया जाता है। दोस्तों, खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर राजा सभासिंह के द्वारा उज्जैन में बनाई गई थी। भ्रथरी की गुफाएं भी उज्जैन में ही स्थित है। तो दोस्तों, इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको उज्जैन के बारे में याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है? तो भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? तो ब्यास परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एकीकरण तथा समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया था? तो 1962 में पंचायत अधिनियम बनाया गया था मध्य प्रदेश में। राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो 605 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिण विस्तार है मध्य प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीज और फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में बीज और फार्म विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो भगोरिया भीलों का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पीस ऑफ माइंड के लेखक कौन है? तो उमा भारती पीस ऑफ माइंड की लेखक हैं, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और ये एकमात्र मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश राज्य का पहला रेलमार्ग कब बनाया गया था? तो 1867 में मध्य प्रदेश राज्य का रेलमार्ग बनाया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय है। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी उपन्यास मृगनयनी में किस राजा के चरित्र का चित्रण किया है? तो दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर के चरित्र का चित्रण वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई है? तो सभी वर्ग के लड़के और लड़कियों यानी छात्र छात्राओं के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। निम्न में से किस वंश के राजाओं ने अरबों को हराया था? तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अरबों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो यह इंदौर है, जैसा कि मैंने अभी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट जो इंदौर के थे उनमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2004 में मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई। के ग्वालियर में सास बहू का मंदिर विख्यात है जो ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, अब बात आई है ग्वालियर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ग्वालियर के बारे में बता दें। ग्वालियर को पहले गोपचाल के नाम से जाना जाता था। तानसेन की नगरी, तानसेन का मकबरा, सासों का मंदिर, ये सभी ग्वालियर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय और लेखाकार का मुख्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 1957 में ग्वालियर में ही बनाया गया था। विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में ही बसाई गई है। दोस्तों, ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरसेन के द्वारा किया गया था। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न यानी जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए घाड़ी गांव अभयारण्य यहां पर बनाया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपको ग्वालियर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो महादेव सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना ग्वालियर में की थी। ये भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पीवाईपी क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको यही कि ये क्वेश्चन याद रखने हैं, इनके आंसर भी याद रखने हैं, इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये याद करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो यह है दसपुर। दसपुर नगर की प्रसिद्धि की सूचना मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता है, दसपुर नाम बदलकर मंदसौर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कहां पर स्थित है? तो यह मंडला जिले में स्थित है। दोस्तों, बात आई है मंडला की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। चीतों के शिकार के लिए मंडला को जाना जाता है। वेगाचक क्षेत्र भी मंडला में ही स्थित है। बघेलन महल, मोती महल मंडला में ही स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि भी मंडला में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे मंडला के बारे में। आपको इसके बारे में इतने इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पागल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो यह है मालवा अंचल की लोक चित्रकला है पागल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो अमरकंटक है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल।
तो दोस्तों ये वीडियो था जिसमें हमने बात की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 6 पार्ट के बारे में। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, अभी इसके बहुत से पार्ट आने बाकी हैं। ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसकी PDF चाहिए हो या आप हमसे कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके सारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, तो आप हमें वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।